नमस्कार साथियों, शॉर्ट हैंड हाउस टीकमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा डिक्टेशन ओपी शुक्ला बुक से है। तो डिक्टेशन के लास्ट में आप प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए अलग से बजट बनाने की बात कही गई है। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से बात के लिए प्रयास भी सरकार कर रही है कि भविष्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी मूल्यों में ना हो। बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रादेशिक असमानताएं या असंतुलन है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इस देश में जो संतुलित विकास होगा, उससे देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने जो नौकरशाही के ऊपर ध्यान देने का वायदा किया है और यह महसूस किया है कि देश की प्रगति के मार्ग में और देश में समाजवाद लाने के मार्ग में जो नौकरशाही बाधक है, उसको ठीक करना होगा। उद्योगों के संबंध में सरकार मजदूरों के साथ सलाह मशवरा करना चाहती है, ताकि देश में समाजवाद लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्रीमान, सरकार ने बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे उद्योगों को पूंजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में ऋण की सुविधाएं मिली हैं और निकट भविष्य में तीव्र गति के साथ सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो सकेगी। महोदय, सरकार ने गंदी बस्तियों के सुधार के लिए और बच्चों के पोषण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, विदेश की उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही साथ पब्लिक स्कूलों में 25% स्थान योग्य उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके द्वारा हम योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के बच्चों को अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। पैरा, श्रीमान, पूर्वी बंगाल से जो लोग भारत में आए, उनकी सरकार ने जो सहायता की है, उसके लिए ही सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी है कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि वे लोग इज्जत के साथ अपने घरों को वापस चले जाएं। जैसा कि बजट में
संकेत किया भी गया है स्टॉप। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।